फ्रेंडशिप डे हम हमेशा हर साल स्कूल में इस दिन को सेलिब्रेट किया करते थे, पर हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि फ्रेंडशिप डे की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से इसका ओरिजिन है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा फ्रेंडशिप डे के बारे में। क्या हाल चाल, सबको सलाम एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भाई पता है। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और दबा दीजिए इस घंटे को ताकि आपको अपडेट्स मिल पाए सबसे पहले। फ्रेंडशिप डे का सबसे पहली बार जिक्र करा जॉयस हॉल ने, जो कि फाउंडर थे हॉलमार्क कार्ड्स के। उन्होंने 1930 में 2 अगस्त की डेट फाइनल करी फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने के लिए, पर इसके पीछे उनका बिजनेस मोटिव था क्योंकि अगर लोग इसे सेलिब्रेट करेंगे तो इनकी बिक्री तो होगी होगी। पर 1940 आते आते लोगों ने इस बात को समझ लिया कि फ्रेंडशिप डे का कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है और लगभग 1940 में फ्रेंडशिप डे खत्म हो गया। फिर 1958 में पैराग्वे देश के डॉक्टर रेमोन आर्तेमियो ब्राको ने यह सजेशन दिया कि हम वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर सकते हैं 20 जुलाई को। और उसके बाद 1998 में नेन आनंद, जो कि वाइफ थी कोफी आनंद की, उन्होंने विनी द पू को ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर कर दिया फ्रेंडशिप डे के लिए। और उसके बाद 27 जुलाई 2011 को 65th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 30 जुलाई का दिन डिक्लेयर करा इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप का। और उसके बाद ये काफ़ी सारे देशों में फैला, जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इन सब देशों में इस दिन को अगस्त के फर्स्ट वीक के संडे को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उनका ये मानना है कि इस दिन लोगों की छुट्टी होती है और लोग मिलकर इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये थी कहानी फ्रेंडशिप डे की। मुझे लगता है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट और बेस्ट फ्रेंड कौन है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे इसी जगह पे, तब तक के लिए मैं आपके लिए ढूंढता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ धमाकेदार और कुछ इन्फॉर्मेटिव।